इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जालौन से। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में फिर से हुआ विवाद। मामूली कहासुनी के बाद चल पड़ा चाकू। एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। आनन फानन में परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया। चाकूबाजी की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात से दहला उरई नगर क्षेत्र। आपको बताते चले कि जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में स्थित राजेंद्र नगर क्षेत्र में देर रात एक शिक्षक की हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि उसी क्षेत्र में हुई चाकूबाजी। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। सुंदरम चौरसिया, सुंदरम क्या घटना हुई आपके साथ? हम टंकी के पास बताशा पी रहे थे, तभी कुछ लड़के आए और एकदम मुझे मारने लगे। हमारे साथ दो लड़कों को और मारा। कोई पुराना विवाद? अच्छा, कौन है लड़के, जानते हो क्या उनको? एक का नाम संस्कार है और एक का नाम शानु परियार। अच्छा, और उनके मित्र थे गुजर। कोई रंजिश बताई जा रही है क्या? पहले में कोई आपसी विवाद हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ। पुलिस को सूचना दी इस बात की? हाँ। काहे से घायल किया आपको? चाकू से। चौरसिया है, क्या घटना हुई? मेरे भाई सुंदरम चौरसिया को कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें दो लोगों को हमने पता कर लिया है। एक नानू परियार जो कि मोहल्ला राजेंद्र नगर का निवासी है, उनका दोस्त संस्कार राजपूत पुत्र जेडी राजपूत का लड़का है, वो भी साथ में था, और उनके दोस्तों ने साथ में मिलकर मेरे भाई को जान से मारने का प्रयास किया है। काफी दिनों से ये फील्डिंग चल रही है। लड़ाई किस वजह की है? वजह अब सर जानने में नहीं आया है। अचानक से 20 से 25 लड़के आकर धारदार हथियार से मेरे भाई को लघुलान कर दिया है।